और भाई क्या हाल है तुम्हारे? क्यों पढ़ने का मन नहीं कर रहा? तो बेटे पढ़ ले, वरना तेरा बाप एक कंटा भर के देगा ना, बस सारे पढ़ने का मन कर जाएगा। खैर, इन सब बातों को साइड में रखते हैं और आज के मुद्दे पे आते हैं। तो आज के मुद्दे का नाम है द लिटिल गर्ल, यानी कि आज के चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। तो चलो यारो, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर तुमने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई कर लेना। क्या कर क्या रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर ले भाई। अबे चल बड़ा, चैनल सब्सक्राइब करने वाला है, चल पड़ा चुपचाप चल। तो यार देखो, इस कहानी में ना एक लड़की होती है जिसका नाम होता है काजिया, और वो अपने बाप से इतना डरती है जितना कि तुम भी नहीं डरते होगे अपने पिता से। तो यार उसे ना बहुत ज्यादा डर लगता है। तो चलो यार, कहानी क्या है जरा वो पढ़ते हैं। तो हर सुबह जब उसके पापा ऑफिस जाते तो उसे एक गुड मॉर्निंग किसेस देके जाते, और वो भी अपने पापा से गुड मॉर्निंग फादर कहती और चुपचाप रहती। और जैसे उसके पापा दूर जाते, मतलब यार वो फीलिंग होती है ना जो गाड़ी दूर जा रही है, जैसे जैसे गाड़ी उसके दूर जाती, भाई उसे इतनी खुशी मिलती जैसे कि पूछो ही मत। जैसे कि तुम्हारे साथ होता है भाई, जैसे पापा गए फोन हाथ में और पबजी चालू, भाई सेम ना उसे भी उतनी खुशी मिलती है जैसा कि तुम्हें मिलता है। और फिर जब उसके पापा शाम को वापस आते तो डिमांड पर डिमांड करते, मेरी चाय कहाँ है, चाय लेके आओ, न्यूज़पेपर नहीं आई क्या, बाहर देखो न्यूज़पेपर तो नहीं है, मेरी चप्पल कहाँ है। तो यार मतलब डिमांड पर डिमांड किए जा रहे हैं, ऐसे डिमांड करते रहते हैं वो। और एज यूजुअल, जैसे हमारी माँ कहती है कि ये बेटा काम कर दो, वैसे ही इसके साथ भी होता है। और काजिया की माँ इसे कहती है कि बेटा अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो जाके पापा के चप्पल, जो पापा का बूट है, वो जाके पापा को दे दो। और वो स्लोली, अरे ये तो गाना हो गया भाई, मतलब यार वो स्लोली चल के जाती है अपने पापा के पास डाइनिंग रूम में और चप्पल देती है। और जैसे चुपके से निकलने वाली होती है, उसका बाप कहता है, और बेटा क्या हाल है तुम्हारे, आज तुम अच्छी बच्ची की तरह तो रही ना। फिर काजिया बोलती है, आई डोंट नो फादर। तो फिर उसका पिता बोलते हैं, क्या आई डोंट नो, अगर तुम ऐसे तोतली आवाज में बात करती रही ना तो मैं तुम्हारी मम्मी को बोल के तुम्हें डॉक्टर के पास भेज दूंगा। हालांकि यार वो हर किसी से तोतली भाषा में बात नहीं करती थी, दूसरों से वो एकदम फर्राटेदार तरीके से जो मन में आता वो बक देती थी, लेकिन पापा के सामने पता नहीं उसे क्या हो जाता था। मतलब यार डर के मारे हम कभी कभी हिचकाने जाते, कभी किसी ने पापा ने कुछ पूछ लिया और हमें मतलब कुछ आया नहीं तो एकदम घबराते हुए बोलते हैं, ऐसी आवाज निकलती है उसके सामने। और फिर उसके पापा उसकी मम्मी से, काजिया की मम्मी से कहती है कि इसे सुसाइड वाली इसने शक्ल क्यों बना रखी है, कि हर समय सुसाइड वाली शक्ल बना कर रखती है, ऐसे लगता है मानो जैसे अभी छत पे जाएगी और नीचे कूद के अपनी मतलब कि आत्महत्या ही कर लेगी, ऐसा शक्ल बना के क्यों रखती है ये, इसे समझाओ। और फिर संडे को उसकी दादी माँ उसे कहती है कि जाओ अपने पापा और मम्मी से अच्छी बातें करो, जाओ उनसे प्यार भरी बातें करो। लेकिन वो जब जाती है तो वो देखती है कि उसकी जो मम्मी है वो बुक रीड कर रही है, एज यूजुअल जैसे उसकी मम्मी बुक रीड करती है, कभी बुक रीड करती है, कभी न्यूज़पेपर वगैरह रीड करती है, तो वो रीड कर रही है। और उसके पापा जो है वो सोए हुए हैं मुंह पर रुमाल फेर कर, मतलब एकदम मजे से मतलब सोए हुए हैं। वो फिर भी जाती है और जो बेंच रखे होते हैं वहां पर, वो जाके वहां पर बैठ जाती है चुपचाप। फिर उसके पापा पूछते हैं, टाइम क्या हुआ है। फिर उसके पापा बोलते हैं, ऐसे उल्लू सी शक्ल बना के क्यों बैठी हुई हो मेरे सामने तुम। और फिर वो भाई वहां से चली जाती है। और फिर एक दिन उसे जुकाम हो जाता है और वो जब दादी के साथ अपने सोई हुई, भाई दादी से ना उसे यार बहुत ज्यादा प्यार था, मतलब यार वो दादी के साथ उसका बहुत ज्यादा रिलेशनशिप अच्छा था, तो वो हमेशा दादी के साथ ही रहती थी। तो दादी के साथ बैठी हुई थी वो एक दिन, तो उसकी दादी कहती है कि अगले सप्ताह तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तो क्यों ना तुम एक कुछ सरप्राइज गिफ्ट अपने पापा के लिए बनाओ एक येलो सिल्क के साथ। और फिर वो सोचती है, हाँ यार मुझे तो पापा के लिए गिफ्ट बनाना ही चाहिए। और फिर वो गिफ्ट की तैयारी करने चलती है। वो क्या काम करती है, एक येलो का जो कॉटन कपड़ा होता है उसे तीन तरफ से सिल देती है और चौथा मुंह खुला रखती है। और वो सोचती है इसके अंदर कुछ भर देती हूँ। फिर वो सोचती है, भरू तो मैं भरू क्या इसके अंदर, मतलब है। फिर उसको कुछ नहीं मिलता तो अपने माँ की जो उसके मदर का जो बेडरूम होता है ना उसमें वो जाती है। और जाने के बाद वो वहाँ पे कुछ पेपर्स रखे हुए देखती है, जब देखती है कि टेबल्स पे कुछ पेपर रखे हुए हैं, फिर वहां से वो ना पेपर्स ले लेती है और उसके टुकड़े 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 कर देती है और उस गिफ्ट में डालने के लिए उसे डाल देती है। और फिर चौथा जो मुंह होता है उसका वो भी सिल देती है और गिफ्ट तैयार हो जाती है। फिर काजिया बताती है कि उस रात मतलब कि घर में यार बहुत भयंकर मतलब बवाल मच रहा था, झगड़े चल रहे थे, कुछ आवाजें आ रही थी, ऐसा आवाज आ रही थी कि मेरे पेपर कहाँ है, मुझे कल स्पीच देना था, क्या तुमने मेरा वो पेपर देखा, इस तरह के कुछ साउंड्स आ रहे थे। फिर उसकी माँ उसे चारों तरफ ढूंढती है उनके पेपर को और फाइनली वो आती है काजिया के रूम में और काजिया से पूछती है कि बेटा ऐसे तो तुमने उसे देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछ लेती हूँ, क्या तुमने पापा का जो पेपर रखा था तुमने देखा। फिर काजिया भाई इतनी भोली, मतलब यार मैंने देखा ही नहीं, इतनी बोली तो। वो कहती है, हाँ माँ मैंने तो उसे
सार के इसमें गिफ्ट में डाल दिया, फिर उसके माँ भाई क्या फाड़ दिया और उसकी फिर चुटिया पकड़ के घिसटते हुए उसके पापा के पास ले आती है और कहती है इसने तो आपके पेपर फाड़ दिए। फिर उसका बाप बोलता क्या तुमने मेरे पेपर फाड़ दिए, और भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काजिया की तो भाई फटके चार नहीं मतलब कि आठ हो जाते हैं उसके तो, और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि इसे ले जाओ और ऊपर अंधेरे वाले रूम में इसे रख दो। फिर वो अंधेरे में चली जाती है ऊपर और ऊपर जाकर रोने लगती है। फिर उसका बाप भाई डंडा लेके आता है, कहता है आज तो डंडा निकाल, आज इसके ऊपर से नीचे मतलब कि फार के रख दूंगा इसे तुम्हें। फिर उसे कहते हैं चलो अपना हाथ निकालो, चलो निकालो हाथ, क्योंकि अगर मैंने आज तुम्हें नहीं मारा ना तो तुम्हें ये सीख नहीं मिल पाएगी। और फिर उसके हाथ निकालते हैं और दे धनादन उसके हाथ मतलब यार लाल कर देते हैं। तो यार मे भी साथ तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हो, तुम कभी पबजी खेल रहे हो और पीछे से पापा आ जाए, फिर जो तुम्हारी हालत होगी ना भाई वो मतलब तुम रिलेट कर सकते हो यार, जो उस समय तुम्हारी हालत है ना सेम हालत भाई उस समय काजिया की हो जाती है। और फिर कुछ ही घंटों बाद उसकी दादी माँ आती है और उसे अपने पल्लों में लपेट लेती है और चुप कराने लगती है, कहती है ओलोलो मिला बेटा चुप हो जा तुम आज ना सो जाओ, और कुर्सी पे हिलाती है उसे और कहती है तुम सो जाओ और जब तुम सुबह उठोगी तो ये सारी चीजें तुम भूल जाओगी। लेकिन भाई को इतना मार खाने के बाद क्या भूल सकता है, मैं तो कभी नहीं भूलूंगा भाई। और सेम चीज काजिया के साथ भी होता है, काजिया भी इस बात को भूल नहीं पाती है और वो सोचती है कि पापा नाम का वर्ड भगवान ने बनाया क्यों, अच्छा होता है इससे बढ़िया पापा बनाते ही नहीं। यार उनके पड़ोसी में एक मैकडोनाल्ड नाम का व्यक्ति रहता था और वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो कभी अपने बच्चों को कंधे पे घुमाता था तो पार्क में खिलाता था और उनके सामने हंसते मजाक करते हुए वो खेलते कूदते रहता था। और वो सोचती थी कि ये देखो एक ऐसे पापा होते हैं और एक मेरे पापा है। फिर वो सोचते हैं इनका ना मैं उसका ओपिनियन बदल जाता है, वो कहते हैं यार मतलब कि सब पापा एक जैसे नहीं होते, कुछ पापा अच्छे भी होते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, उसकी काजिया की जो मॉम होती है वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। और फिर काजिया की मॉम और उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और घर पे कोई नहीं रहता, सिर्फ काजिया अकेली रह जाती है अपनी नौकरानी के साथ। तो नौकरानी सारा काम कर देती है सुबह में, फिर रात में उसे वो सुला देती है और कहती है कि बेटा तुम चुपचाप सो जाओ और ज्यादा शोर मत मचाना वरना तुम्हारे पापा जाग जाएंगे और उन्हें डिस्टर्ब होगा। और फिर वो उसे सुला देती है, लेकिन उसे डर लगता है और कहती है अगर मैंने रात में कुछ बुरा सपना देख लिया तो क्या होगा। और वो डर जाती है और कहती है आप तो दादी भी नहीं है जो मेरा ख्याल रखेगी अगर मैंने रात में कोई बुरा सपना देख लिया तो। और मतलब ये जिस बात का डर था ना वही बात होता है। और रात में उसे एक भयानक सपना आता है, उसे सपना आता है कि एक दानव चाकू लेके उसके पीछे उसका मर्डर करने के लिए आ रहा है भाई, और उसका मर्डर करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। फिर वो चिल्लाती है नहीं मुझे छोड़ दो मुझे नहीं, जो बच्चे मतलब यार सपने में नहीं बोलने लगते वैसे वो करने लगती है और कहती है डर जाती है मतलब यार वो पूरा डर जाती है और कहती है नहीं नहीं मुझे मत मारो। तो यार वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो उठ के बैठ जाती है, और जैसे वो उठ के बैठती है देखती है कि उसके पापा जो है वो पहले से ही उसके बगल में बैठे होते हैं और उनके हाथ में कैंडल होता है। फिर उसके पापा कैंडल बुझा देते हैं और फिर काजिया को अपने गोद में ले लेते हैं और कहते हैं बेटा क्या हुआ तुम्हें, क्या तुमने कोई बुरा सपना देख लिया क्या, उसे पूछते हैं। और उसे फिर वो अपने रूम में ले जाते हैं और अपने रूम में ले जाकर एक बिस्तर पे उसे जो पेपर वगैरह रखे होते हैं बिस्तर पे कुछ सामान बिखरे पड़े होते हैं तो वो सब सामान हटा देते हैं और उसे सुला देते हैं और खुद भी उसके बगल में सो जाते हैं। और हालांकि उसके पापा बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं इसलिए वो जल्दी सो जाते हैं और काजिया उन्हें बड़े गौर से देखती रहती है। फिर वो सोचती है कि पापा हमारे अच्छाई के लिए तो करते हैं, मेरे पापा उतने भी खराब नहीं जितना कि मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जो हमारे मैकडोनाल्ड अंकल है उनके पास तो बहुत ज्यादा टाइम है इसलिए वो अपने बच्चों को साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन मेरे पापा के पास तो उतना ज्यादा टाइम नहीं है जो मेरे साथ वो स्पेंड कर सके, इसलिए वो अपने पापा के मतलब यार अपने पापा के लिए एक लव एक एक्सप्रेशन एक फीलिंग आ जाती है अपने पापा के लिए उसे। फिर उसे ये भी रियलाइज होता है कि हाँ भाई उस दिन मुझे पापा ने एवे नहीं मार दिया था, मैंने उनके इंपॉर्टेंस पेपर जो उसे स्पीच देना था उन्हें मैंने उसको फाड़ दिया, कुछ इंपॉर्टेंस पेपर को फाड़ दिया, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान गुस्सा हो ही जाएगा। फिर वो अपने पापा को टाइटली हग करती है और हल्का सर अपने चेस्ट पर रख लेती है, उनके पापा के चेस्ट पर रखती है। फिर उसके पापा ये सब हरकतें देखकर जग जाते हैं और फिर पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया। फिर वो बताती है कि नहीं पापा मैं आपके चेस्ट पे सोई हुई थी और वो जो साउंड है ना चेस्ट का वो आ रही थी मुझे, तो आपका चेस्ट बहुत बड़ा है आपका दिल मतलब यार बहुत बड़ा है ऐसा वो कहना चाहती है। और यहीं पे हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है ना भाई कि यार माँ बाप कितने भी बुरे हो, माँ बाप कितना भी तुम्हें मारते हो, भले वो तुम्हें बताते हो कि ये मत करो वो मत करो,
लेकिन यार वो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, वो तुम्हारी खैरियत के लिए तो कर रहे हैं मतलब यार। तो यार अपने माँ बाप से ना तुम कभी भी गुस्सा मत करो और उनका साथ दो। हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है कि नहीं यार ये तो दिन भर डांटते ही रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम 11th 12th में अपने पापा से बिछड़ोगे, अपने माँ बाप से अलगोगे, तब तुम्हें उस समय समझ में आएगा नहीं यार माँ बाप की कुछ अहमियत होती है। तो अपने पापा मम्मी से प्यार करो, उनके साथ रहो, मेरी तो यही सजेशन रहेगी। और हाँ अगर मुझसे प्यार करना है तो मुझे तुम मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा प्यार देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और दोस्तों के साथ मतलब यार शेयर करना तो भूलना ही मत। तो जाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो।